मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। भागवत जी 3,500 साल पहले कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे अच्छा, माने सबसे ज्यादा खाना है, सबसे अच्छा खाना है, जो भी स्वाद आपको लगता है वो सुबह ही खाइए। तो सुबह का खाना फिक्स करिए, समय तय करिए। तो समय मैंने आपको बता दिया, सूरज उगा और 2.5 घंटे तक, माने 9:30 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे। ये नाश्ता हिंदुस्तानी चीज नहीं है, ये अंग्रेजों की है। और आप जानते हैं ना, हमारे यहां चक्कर क्या चल गया है, नाश्ता थोड़ा कम करेंगे, लंच थोड़ा ज्यादा करेंगे, डिनर उससे भी ज्यादा करेंगे। सवा सत्यानाश, एकदम उल्टा। भागवत जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज्यादा करो, लंच उससे कुछ कम करो, डिनर सबसे कम करो। हमारा बिल्कुल उल्टा चक्कर है, डिनर सबसे ज्यादा, लंच उससे कुछ और नाश्ता सबसे कम। ये अंग्रेज और अमरीकियों के लिए नाश्ता कम है, कारण पता है, वो लोग नाश्ता हल्का ही करें तो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नाश्ता ज्यादा ही करना बहुत अच्छा है। कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूर्य नहीं निकलता, साल में 8-8 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं होते। और ये जो जठर अग्नि है ना, ये सूरज के साथ सीधे संबंधित है। जैसे जैसे सूर्य तीव्र होगा अग्नि तीव्र होगी, जैसे जैसे सूर्य कम होगा अग्नि भी कम होगी। तो यूरोप और अमेरिका में सूरज निकलता नहीं, साल में 8-8 महीने बर्फ पड़ती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो वहां जब सूरज है नहीं तो जठर में अग्नि हो नहीं सकती, तो वो नाश्ता हैवी नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था, अपनी आबोहवा, अपना पर्यावरण, अपना वातावरण, अपनी तासीर, इसको ध्यान में रखकर ही चलें। तो आपके देश की जो आबोहवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है, सुबह निश्चित रूप से निकलता है, अगले दिन भी निकलेगा, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। इसलिए भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, सभी सुबह अच्छी है। यूरोप वाले तरसते हैं गुड मॉर्निंग के लिए, अच्छी सुबह होती नहीं वहां, इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है, मे आई विश यू टू हैव ए गुड मॉर्निंग, इसलिए वो गुड मॉर्निंग वाले लोग हैं। हमारे यहां तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, तो हम गुड मॉर्निंग में क्यों फंसे हुए हैं? तो गुड मॉर्निंग से निकलिए, नमस्ते में आइए, नमस्कार में आइए, वड़क्कम में आइए, ये गुड मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है। और ये गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से, जितनी अच्छी सुबह होगी, माने सूर्य जितना अच्छा होगा उतनी तीव्र जठर अग्नि होगी, उतना ही अच्छा भोजन करिए। तो वो कहते हैं कि सुबह का खाना आप भरपेट खाइए, माने नाश्ते को लंच में बदल दीजिए, ठीक है, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा। फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए, जी हमको दुकान जाना है, हमको ऑफिस जाना है, हमको दुनियादारी संभालनी है, किसके लिए? इसी पेट के लिए ना, ये दुनियादारी कर किसके लिए? आप इसी पेट के लिए ना। तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए भागवत जी कह रहे हैं कि भाई इसको संभाल लो तो दुनियादारी संभलती है, और ये गया तो दुनियादारी संभाल के करेंगे क्या? मान लीजिए पेट ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने 10,000 करोड़ कमा लिया, क्या करेंगे? डॉक्टर को ही देंगे ना, तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गौशाला वाले को दे दीजिए, पेट दुरुस्त कर लीजिए। तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है, ये आप जान लीजिए। इसलिए पेट को दुरुस्ती के लिए भागवत जी कहते हैं सुबह का खाना भरपेट खाइए, माने आप बाहर निकलें घर के तो छक्कर खाना खा के निकलिए, भोजन करके ही निकलिए। दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में जठर अग्नि की तीव्रता कम होना शुरू होती है, तो उस समय थोड़ा कुछ हल्का खाएं, माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है, ना खाएं तो और भी अच्छा है। खाली फल खा लें, जूस पी लें, दही पी लें, मट्ठा पी लें, आदि आदि। शाम को फिर खाएं। अब शाम का भागवत जी कहते हैं कि आपने एक चीज देखी है ना, वो बहुत प्रकृति से सीखने की जरूरत है, दीपक। दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौ खूब तेजी से जलेगी, ठीक है, और अंतिम लौ भी तेजी से जलेगी। माने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा,
यही पेट का भी नियम है। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो, सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, नहीं खाएगी। भैंस भी नहीं खाती, खिला के देख लो। बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा। गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं। हां बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? प्रकृति का नियम भागवत जी कहते हैं पालन करिए, माने रात का खाना जल्दी कर दीजिए, सूरज के रहते रहते, माने 5-6 बजे के आसपास आपके यहां सूरज डूबता है, 6 बजे या 6:30 बजे, वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले। अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया 40 मिनट पहले। सूरज डूबने का समय पता कर लीजिए, चेन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6:20 तक, 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा। तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खा लीजिए और सुबह का तो सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक कभी भी खा लीजिए, दोनों समय पेट भर के खा लीजिए। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात के लिए, कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। साध्वी जी तो वो भी नहीं ले सकते, साधु तो वो भी नहीं ले सकते, लेकिन आप गृहस्थी लोग हैं तो इतनी छूट चाहे तो आप ले सकते हैं। भागवत जी कहते हैं कि शाम को सूर्य डूबने के बाद, मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है, या पीने वाला है वो दूध है। तो रात को दूध रख लीजिए, 6 बजे तक भरपेट खाना रख लीजिए। सुबह का खाना अगर आपने 9:30-10 बजे खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पर बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हां डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है, दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी वात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए। तो ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।